बादशाह पिशावर के जबरदस्त बॉलर हैं और सामना करेंगे उबैद जो कि पिशावर के जबरदस्त बैट्समैन हैं। तो बॉलर और बैटिंग के दरमियान का मुकाबला ये देखते हैं कि क्या होता है। बादशाह बॉलिंग के लिए अंपायर को क्रॉस किया और काफी तेज बॉल और ये जो है बॉल जो है उनके में दोबारा बादशाह बॉलिंग के लिए अंपायर को क्रॉस किया और काफी तेज बॉल और काफी अच्छी बॉल। उसका नाम जो है वो है एक बाइक। बादशाह बॉलिंग के लिए अंपायर को क्रॉस किया काफी तेज। खतरनाक हो सकता है खतरनाक अंदाज में लेकिन था दे दिए ये हमारे साथ अजीम भाई भी। अजीम भाई थोड़ा सा मैच के बैकग्राउंड के बारे में बताएं क्योंकि मैं थोड़ा लेट आया हूं, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या हुआ है, किसने टॉस जीती है? ये तारिक लेवा ने टॉस जीता था और उनके तकरीबन दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इसमें एक हैं जी ताहिर धोनी और दूसरे मोहम्मद अला आउट हो चुके हैं। काफ़ी मुश्किल में इस वक्त अभी हैदराबाद यूनाइटेड की काफ़ी अच्छी बॉलिंग जा रही है। हैदराबाद यूनाइटेड की काफ़ी जबरदस्त बॉलिंग है। बादशाह बॉलिंग के लिए अंपायर को क्रॉस किया और बैट को जबरदस्त बॉल, खूबसूरत बॉल और अंपायर का इशारा वाइड बॉल थी। थोड़ा सा मामूली सी विकेट पे मुश्तमिल आज इस मैच को खेलने के लिए बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी आए हुए हैं। बादशाह बॉलिंग के लिए अंपायर को क्रॉस किया और थोड़ा सा स्निक हुआ लेकिन जबरदस्त फील्डिंग, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग। बादशाह जबरदस्त बॉलर हैं, सामना करेंगे उबैद। अभी तक काफी जबरदस्त बॉलिंग की है बादशाह ने। बादशाह बॉलिंग के लिए बादशाह छोटा सा स्टार्ट लेकिन बॉल बहुत तेज और इस दफा जो है उबैद ने वो राजू भाई इंशाल्लाह वाले ना बना राजू। बाद सीधा है दोबारा बॉलिंग के लिए और इस दफा जो है एक स्निक हुआ लेकिन जो है बॉल जो है वो अच्छा। एक मरतब फिर बैद जानी को काफी तेज बॉल की थी, अच्छी शॉट खेली है बैद जानी ने और अंपायर का इशारा ये दो रन्स। और बादशाह ने काफी तेज बॉलिंग की और शानदार बॉलिंग की। एक मरतब फिर बादशाह काफी तेज बॉल की थी, फाइन लेग भी बासत लेफ्टी, अच्छी फील्ड ली उन्होंने। मलिक बिलाल ने कहा हाय जी, हामिद डियर ने कहा काशी पाकिस्तान जी काशी नहीं। अब बासित एक और जबरदस्त फील्ड बासित दोबारा बॉलिंग के लिए अंपायर को क्रॉस किया काफी तेज बॉल, बहुत ही खूबसूरत बॉल।